आओ ऐसे जाएंगे, पूरा रोड भी दिखाएंगे कि हमको आरतीगंज ने दे रहा नया खरीद के। फिर देखिए हम पे इल्जाम लगाइए, कोई हम जा रहे हैं दिखाए मेरा हाथ कैसे है, कहाँ जा रहे हैं, दिमाग खराब हो गया कहाँ जा रहे हैं। और ऐसे तो आदमी सोचेंगे कि लड़ा झगड़ा हुआ इसीलिए फाड़ लिए, पता नहीं तो क्या हो गया नहीं हो गया क्या हुआ है, हम फाड़े हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह आरती ने मनु से झगड़ा करके अपने घर जाने का अब फैसला ले लिया है। जी हाँ दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं, अभी बालासोर ट्रेन हादसा में आरती का भाई शशिकांत जो है वो इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, और अपने भाई और माँ बाप को देखने के लिए आरती ने अब मन्नू से झगड़ा करके अब अपने घर पे जाने का फैसला ले लिया है। जी हाँ दोस्तों आप लोग इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हो कि किस तरह आरती ने मन्नू का गंजी फाड़ दिया है और इतना झगड़ा किया है कि मन्नू को आरती बहुत अच्छे से पीटा भी है, और झगड़ा करके उसके माँ जो है आरती की माँ जो है आरती के घर पे आई है आरती को ले जाने के लिए। इतना ही नहीं दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि दोस्तों आप लोग तो शुरू से ही जानते हैं कि आरती के पापा जो है अभी जेल में है, और मन्नू जो है उसके खिलाफ आरती के पिता के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ रहे हैं और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा आरती नहीं चाहती है। आरती नहीं चाहती है कि उसके माता पिता को कोई सजा हो। तो दोस्तों जिस तरह से आरती अपने माता पिता को बचाना चाहती है और मन्नू आरती के माता पिता को सजा दिलवाना चाहते हैं, इसके लिए आप लोग क्या कुछ आरती और मन्नू को कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जिस तरह से आरती ने अभी मन्नू के साथ झगड़ा किया और अपने घर ले चलने के लिए अपने मम्मी को बुला लिया है, तो क्या कहना चाहते हो आरती और मन्नू, जिस तरह से आरती अब अपने घर जाना चाहती है इसके लिए क्या कुछ कहना चाहते हो, तो आप लोग हमें कमेंट करके सीधा सीधा बता सकते हैं। तो यही था हमारे आज के वीडियो में। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।